अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर 2019-20 पे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की सप्लीमेंट्री डिमांड F2 to F5 आइटम नंबर 50, 51, 52 और 53 पे बोल रहा हूँ। और अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपके आने के बाद ही समाजवादी पार्टी को जो है न्याय मिला। मैं 11 बजे से यहाँ बैठा हूँ। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड और बजट के मार्फत अलग अलग हेड्स में लोकल बॉडीज को और म्युनिसिपल काउंसिल्स को फंड दिया जाता है और अध्यक्ष महोदय यूडी की ही निगरानी में लोकल बॉडीज काम करती है। मैं भिवंडी शहर का नेतृत्व करता हूं जिसको एक जमाने में हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहर से 50 किलोमीटर दूर होने के बाद भी भिवंडी शहर को न्याय नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, इस डिमांड के अंदर आप देखेंगे तो लोकल बॉडीज को रोड, ब्रिजेस और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान मिलता है। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी महानगर पालिका के अंदर आज जिस तरह का करप्शन है उसके ऊपर आपका ध्यान दूंगा। और अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सम्माननीय मंत्री शिंदे साहब भी यहाँ पर है जिनको भिवंडी के विषय में काफी कुछ मालूम है। शिंदे साहब, आप जानते हैं कि पिछली ही महीने महापौर के इलेक्शन में क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को यह कहना चाहूंगा कि मेरा जो अनुभव है पिछले जब से मैं चुन के आया हूं, मैं मुंबई महानगर पालिका में काम किया हुआ नगर सेवक और आज भी हूं। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी महानगर पालिका के अंदर आज शासन की तरफ से जितना फंड दिया गया है, चाहे वो अनुदान के माध्यम से या MMRDA के माध्यम से, उसके ऊपर शासन की कोई निगरानी नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज MMRDA मार्फत और शासन के अनुदान के मार्फत कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन वो अनफिनिश्ड है पूरी तरह से। अगर आप भिवंडी शहर को देखेंगे तो भिवंडी शहर के रास्ते मैं दावे के हिसाब कह सकता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे खराब है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां पर लाइफलाइन कहा जाता है, एक ही ब्रिज है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 7 साल पहले ब्रिज बनने के बाद आज ऐसी अवस्था है कि उसके ऊपर हेवी व्हीकल नहीं जा सकती। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे भिवंडी शहर आज पॉल्यूशन की मात्रा में दिल्ली के बाद आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज 30 से 40 चक्के जो पॉपुलेशन है भिवंडीकरों का, वो मास्क पहन के घूम रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैंने महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड से भी संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड से भी कहा गया है कि ये लोकल बॉडी का विषय है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत सम्माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि भिवंडी महानगर पालिका के जो कामकाज है उसके अंदर इमीडिएट इंटरफेरेंस होना चाहिए, निर्देश आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि भिवंडी महानगर पालिका के 5 साल के कामकाज का चेक कैग मार्फत जो है पूरी तरह से ऑडिट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझसे पूछे तो डेवलपमेंट प्लान जो है भिवंडी महानगर पालिका का 2003 से उसको मान्यता नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट प्लान नहीं होने की वजह से भिवंडी शहर आज पूरी तरह से एक अनप्लान सिटी बन गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट प्लान के अभाव में और कॉमन DCR के अभाव में आज आप देखेंगे कि भिवंडी शहर में पूरी तरह से एक बड़े मात्रा में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहूंगा कि आप निर्देश दे और मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि भिवंडी शहर के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए। भिवंडी शहर जो आज मुंबई के इतने करीब होने के बाद भी आज अगर हायर एजुकेशन के लिए और कामकाज के लिए आपको मुंबई में आना होता है तो 2.5 घंटे लगते हैं जाने के लिए और आने के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका निर्देश एक और विषय में लाना चाहूंगा। मैं आज भी मुंबई महानगर पालिका का नगर सेवक हूं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सौभाग्य मिला कि मुंबई जैसे शहर के अंदर DP प्लान जब बना तो उसके अंदर हमारा पार्टिसिपेशन रहा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 2034 का जो DP प्लान है बड़ी मेहनत से पूरे महानगर पालिका ने बनाया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप अगर देखेंगे तो DP प्लान के अंदर मुंबई में जैसे अभी अमित साटम जी ने भी ये सूचना की थी कि 0.04% पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर का ओपन स्पेस है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार मार्फत अपॉइंट किए हुए आयुक्त ने आज गट नेताओं के समक्ष एक पॉलिसी लाई है जहां पे ओपन स्पेसेस जो एक्वायर करना चाहिए उसको एक्वायर करने से प्रशासन नकार रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये DP प्लान का उल्लंघन है। अध्यक्ष महोदय, मैं
सन्मान्य मंत्री महोदय से भी कहूंगा, क्योंकि शिवसेना की सत्ता है महानगर पालिका में, अध्यक्ष महोदय ऐसी पॉलिसीज को सरकार स्वीकार न करे, और आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।